एंजल नंबर्स क्या होते हैं? बहुत सारे मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे। पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा लोगों ने एंजल नंबर्स के बारे में पूछा है। ये एंजल नंबर्स क्या हैं और 555 का फॉर्मेशन क्या है, क्या कहता है ये न्यूमरोलॉजी में आपको? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी और समझ पाएंगे आप कि एंजल नंबर्स एक्चुअल में मीनिंग क्या देते हैं। देखिए, अगर आपको 555 को समझना है या 555 को समझना है, उससे पहले आपको 5 नंबर का पता होना चाहिए। देखिए, 5 नंबर क्या है? 5 नंबर बुध का नंबर है। बुध क्या है? बुद्धि के देवता है। साथ साथ मिडिल का नंबर है, सेंट्रलाइज का नंबर है और व्यापार में बहुत ज़्यादा आपको उन्नति देने वाला नंबर है, पैसे से आपको सॉलिड करने वाला नंबर है और जीवन में बैलेंस लेकर आने वाला नंबर है। कम्युनिकेशन में भी आपकी हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ों में बुध आपको सजग करता है। तो 5 नंबर जब 2 बार आपको और मिल जाता है, यानी कि 555 की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वह बहुत अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ एंजल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका संबंध लूशो ग्रिड से मत लीजिएगा। वो जब मैं आपको लूशो ग्रिड में 555 की फॉर्मेशन समझाऊँगा तो उसकी मीनिंग मैं आपको अलग तरीके से बताऊँगा। तो 5 नंबर, जैसे मैंने बताया कि ये कम्युनिकेशन, बिजनेस, आपका व्यापार, आपका नौकरी, ये सब चीज़ों में आता है। अब सडनली क्या होता है कि आपको 5 नंबर या तो आपको मिलता है, आपको ईयर नंबर में मिलता है, सडनली वो आता है तो उस ईयर में आपकी ग्रोथ होती है। हम लूशो ग्रिड में कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन 5 नंबर आपके पास दिखने लग जाए आपको, मतलब ये कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको 5 नंबर बार बार रिपीटिशन हो रहा है आपका। एंजल नंबर्स जो होते हैं वो एक तरीके से कम्युनिकेटिव चीज़ें होती हैं कि एंजल्स आपसे बात करना चाह रहे हैं एंड आपको आपके जो थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको कोड वर्ड में, एक तरीके से मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, कोड वर्ड में वो आपसे बात कर रहे हैं। तो 5 नंबर हमारा किस तरीके का नंबर हो गया कि जब भी कोई चीज़ आ रही है तो आपकी उन्नति तो वहाँ पर होगी, ये बात तो आप मान के चलिए, आप आगे तो ज़रूर पढ़ेंगे। 555 अगर आपके केस में आपको मिल जाता है तो इन दैट केस आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ में बड़े चेंज होने वाले हैं। ये बड़े चेंज आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और आप आगे की तरफ मूव करेंगे। 555 अब आपको दिखेगा कैसे? आपने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग कहते हैं कि दिखता है। ऐसा तो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती 555 लिख देंगे दीवार पर और उसको रोज़ देख लेंगे तो चेंजेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 555 या तो आपके सपने में आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, या आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो उसमें बार बार आपको 555 दिख रहा है, या जैसे आपके पास एक नोट आया तो वहाँ पर आपको लास्ट के सीरीज जो है वो 555 दिख गई। आप एक गाड़ी खरीदने गए थे, उसका इंजन नंबर 555 था, या कोई भी ऐसी चीज़, मोबाइल नंबर आपने खरीदा या देखा, खरीदने गए तो देखा तो 555 वहाँ पर भी आपको दिख गया। वॉट एवर द रीजन्स, जो भी रीजन्स हैं आपको दिख रहा है, वो जानबूझ के नहीं दिख रहा है, वो आपको मतलब अपने आप दिख रहा है, आप उसमें कोई अपनी तरफ से इनपुट नहीं डाल रहे हैं, वो आपको दिख रहा है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है। इसका साफ मीनिंग ये है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप पॉइंट ऑफ टाइम पर सोच रहे हैं और उसमें कुछ चेंज लेके आना चाह रहे हैं, तो एंजल आपको ये कह रहे हैं कि आप वो चेंज कर लें। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे और स्थायित्व लेकर आएंगे, क्योंकि सेंटर का नंबर है तो बैलेंस करके लाएंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा कि ये जो चेंजेस होंगे थोड़ा उथल पुथल आपको ज़िंदगी में देखे जाएंगे, तो उस उथल पुथल को तैयार करने के लिए आपको पहले ही एंजल्स बोल देते हैं कि भाई 555 है आपके पास, हमारी तरफ से हाँ है, लेकिन आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए। अब बेसिकली 90% लोगों की दिक्कतें इस समय नौकरी को लेकर हैं। अगर आप नौकरी में चेंज करना चाह रहे थे लेकिन शंकित थे माइंड से कि भाई हम ये चेंज करें या नहीं करें, उस केस में आपको मिल जाएगा ऑप्शन कि हाँ आप कर सकते हैं। आप प्रपोज करना चाह रहे थे और सडनली 555 की फॉर्मेशन आपको दिखने लग गई, इन दैट केस जो है आपको पता लगेगा कि हाँ ये जो फ्रेंड है आप उसको प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन शादी के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन आपका काम बन जाएगा। तो एक तरीके से पॉजिटिव मैसेजिंग का ही काम करती है। इसी तरह से प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे थे, काम नहीं बन रहा था आपका, कहीं कोई फाइल लटकी हुई थी, सडनली आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखने लग जाए, और ये दिखती है हर आदमी को, दिखती है, और किसी को 777 दिखता है,
किसी को 555 दिखता है, किसी को 222 दिखता है, इस तरीके की फॉर्मेशन दिखती हैं। हम लोग गौर नहीं करते, वो एक अलग बात रही, लेकिन ये फॉर्मेशन देखने को मिलती ज़रूर है। तो 555 का यही मीनिंग होता है कि जब आपको ये नंबर दिखेगा तो आपका लाइफ में चेंज होने वाला है, बड़ा चेंज होने वाला है और सकारात्मक चेंज होने वाला है। कैसी लगी आपको ये वीडियो और आपके क्या एक्सपीरियंस है इन नंबर्स के बारे में, मेरे को बताइएगा कमेंट करके, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और यूं ही मेरे साथ बने रहिएगा। पामिस्ट्री न्यूमरोलॉजी के बारे में सही जानकारी आपको यहीं पर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।